हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ, तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। आखिरी में गया था नवंबर में वडोदरा, तभी मैंने लास्ट ब्लॉग शूट किया था। और अभी है जनवरी। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो फिर आज का हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है पावना लेक। हमने पावना लेक में एक टाइप ऑफ रिजॉर्ट, टेंट वगैरह, कॉटेज वगैरह वहाँ पे वो बुक करवाया है। हमारे साथ अब मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी। तो अभी हमको थोड़ा लेट हो गया, तो अभी फटाफट चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग रुके शेल में एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। अभी हमने कोल्ड कॉफ़ी लिया था और पेट्रोल फिल करवाया था ऑटो कट। तो अभी हम लोग हैं एरोली साइड में और हमको जाना है लोनावला से भी आगे। तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है, तो चलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ही बड़ा सीन हो गया, मतलब सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन के वजह से जो हमारे ग्रुप थे उसमें से एक मेंबर बहुत आगे चले गए, दूसरे मेंबर फिर वो अभी आगे थे, यहाँ पे थे, अभी वो भी आगे निकल गए। हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब अभी यहाँ पे पानी मंगाया, देखते यहाँ पे खाना खाएंगे या कहीं और जाएंगे। और शायद आपको ये जगह याद होगी, मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में हम लोग यहीं पर रुके थे, दावत रेस्टोरेंट। तो याद ही होगा, आपने अगर ब्लॉग नहीं देखा तो चेकआउट करना। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था लोनावला में। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो होटल भी आ जाएगा, रिदम लोनावला। तो अभी देखते हैं, खाते हैं या फिर कहीं कोई और रेस्टोरेंट जाते हैं। तो अभी हम लोग खा के निकल चुके हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 3:12। तो वी आर बेसिकली वेरी लेट, मतलब बस एक वो मिसकन्फ्यूजन की वजह से इतना बड़ा सीन हो गया। तो अभी चलते हैं यहाँ से पावना लेक। करीबन 1 hour 35 kilometers है, मतलब 1 hour है और 35 kilometers डिस्टेंस है। तो फिर अभी चलते हैं यहाँ पे चिक्की फेमस, और वहाँ पे हमने टेंट कॉटेज वगैरह किया है, वो सब वहीं पे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइज, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पावना लेक। तो ये ऐसे ही बहुत सारे कैंपिंग के जगह है कि ये टेंट बन रहा है यहाँ पे, वैसे ही बहुत सारे होते हैं। अभी इसमें कॉटेज है जैसे, तो किसी में कॉटेज ही होते, तो किसी में कॉटेज प्लस टेंट, किसी में ओनली टेंट्स। तो अभी जैसे यहाँ पे बोन फायर वगैरह होता है, क्रिकेट वगैरह। देन नीचे आप वहाँ पे जैसा कि देख सकते हो वहाँ पे पॉइंट है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। एंड देर इज़ अ फेयर चांस कि मैं एक सिनेमेटिक व्लॉग अपलोड करूँगी इसका, जिसमें मैं कुछ ऐसा व्लॉगिंग नहीं करूँगा, ओनली सिनेमेटिक्स। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो नीचे सिंगिंग हो रहा है लाइव, शायद सिंगिंग नहीं तो गाना बज रहा है, और कॉपीराइट का डर है इसके लिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा नीचे। तो वहाँ पे कयाकिंग। तो चलो गाइज, अभी मिलते हैं फिर थोड़ी देर में वो कॉटेज है जैसे। चलो इसी नीचे चलो। फिल्म ब्रेक।
तो गाइस अभी सनसेट हो चुका है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं ट्राइपॉड लेने गया था, पर कोई बात नहीं, कल सनराइज मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ शायद। हम लोग एक ही दिन के लिए आए ओवरनाइट, और ये पावना लेके यहाँ पे कयाकिंग भी होता है, प्रॉबेबली हम लोग कल सुबह करेंगे। मैंने कयाकिंग किया हुआ था, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो, पिछले से पिछला सॉरी। और यहाँ पे मतलब बस मस्त है एकदम, लाइक स्काई एकदम मस्त कलर है, और वहाँ पे कॉपीराइट म्यूजिक बज रहा है, और ऐसे बहुत सारे लाइक अभी फॉर एग्जांपल ये है, उसके ऊपर हमारा है, लाइक दिस हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, देन फिर यहाँ पे किसी और का प्रॉपर्टी है, वहाँ पे किसी और का, ऐसे बहुत बहुत सारे है। और वो आई चेक्ड ऑन द मैप्स कि वो साइड एक तो अभी रात हो चुकी है और ऐसा कुछ माहौल है नीचे, और बहुत अच्छा है नीचे, अगर नहीं दिख रहा हो तो अभी मैं गिम्बल निकाल के रिकॉर्ड करूँगा। मतलब अच्छा माहौल है नीचे, यहाँ पे भी अच्छा माहौल है, लाइक हमने अपना स्पीकर लगा दिया, वहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है, चिकन पनीर, और यहाँ पे बॉनफायर होगा प्रॉबेबली रात के 12 बजे, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट देखते, अभी कॉपीराइट म्यूजिक बज रहा है इसी के लिए रहने देते अभी, और मैंने हुडी भी डाल लिया, ठंड हो रही है तो अभी इंजॉय करते हैं। इंजॉय क्या कर रहे हैं भाई, कुछ है ही नहीं करने को, हाँ नीचे है पर मजा आ रहा है भाई, चलो बाय। जनवरी राइट ना, तो अभी यहाँ पे बड़े लोग पेरेंट्स लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और मेरी बहन और बाकी जो छोटे बच्चे वो लोग आर्चरी खेल रहे, और इनका कॉपीराइट म्यूजिक बज गया है, और फिर अभी क्या करें, वहाँ पे नीचे लाइव म्यूजिक चल रहा है बट हम लोग वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि वो किसी और का है, और फिर क्या, ये हमारा कॉटेज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक लाइव म्यूजिक की बात चल रही तो लाइव म्यूजिक भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद हम लोग वेज थाली की भी बात किए तो वेज के उतने खाने भी नहीं थे, लाइक अगर हमने बोला था कि 80% नॉन वेज और 20% वेज, उन्होंने 3 ही प्लेट बनाया वेज का, लाइक एक्स्ट्रा एक प्लेट दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा 2 प्लेट शायद वही, लेकिन फिर भी इट्स ओके, कुछ कर तो सकते नहीं हम लोग, तो फिर अभी रहने दिया। और यहाँ पे वियान, तो अभी बस इतना ही चल रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो गाइस अभी मैं अपने कॉटेज के अंदर आ चुका हूँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडी है, लाइक अभी 20 डिग्री सेल्सियस बाहर, लेकिन ऐसा लग रहा है लाइक 10-15 डिग्री में आ गए, और फिर इतना ही, अभी रात के 2 बज रहे हैं वैसे है? हाँ तो तो फिर वही है, अभी देखते 3-4 बजे तक सोएंगे प्रोबेबली अभी। चलो फिर अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ खेले जा रहे हैं, चेकर्स, कार्ड्स, मैंने बॉटल कैप से बनाया है, वाह सस्ता। Glasses.
तो गाइस अभी मॉर्निंग हो चुका है, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी यहाँ का ऐसा कुछ मॉर्निंग का है, वी आर नॉट गोइंग टू द लेक फॉर कायाकिंग वगैरह, हमने कर लिया था और इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, डैट इज़ वाई। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, पोहा। लाइक हम रात में हमने कुछ नहीं खाया था, बस एक ही टाइम खाया था हमने कल, आपको अगर याद होगा दावत रेस्टोरेंट में खाया था हमने, उसके बाद फिर अभी खा रहे हैं। तो अच्छा ही था खाना, लाइक पोहा तो अच्छा ही था, कल का मैंने टेस्ट नहीं किया इसके लिए। अभी हम लोग फिर खाने के बाद चेकआउट करेंगे थोड़े देर में, और थोड़े सिनेमेटिक व्यूज़ ऑब्वियसली अब वो एंजॉय करिए, और मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ। अरे यार मक्खी तुम जाओ।